सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले हैं सिविल लोशंस के बारे में। सिविल लोशंस का क्या यूज है, कब इसको यूज़ किया जाता है, कितने दिनों के यूज़ किया जाता है, यूज़ करने से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, यूज़ करने से आपको क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या इंग्रीडियंट्स या मॉलिक्यूल्स से कंपोजिशन डालेंगे और ये किस प्रकार काम करता है और इसको यूज़ करने का सही तरीका क्या है और इसको कब और कैसे यूज़ किया जाता है और फंगल इन्फेक्शन में दिया जाने वाली ये लोशन इतना यूजफुल क्यों है और डर्मेटोलॉजी डॉक्टर और कॉस्मेटिक्स डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं। तो सिविल लोशंस के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल पे वीडियो पे पहली बार विजिट किए या भी आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शुरू करते हैं सिविल लोशन, जो कि हमारे पास 30 ml का बोतल है, जिसकी MRP की बात करें तो इसकी MRP 240 यानी कि 240 रुपये के करीब इसकी MRP है। सिविल लोशन को सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक नामसेंस कंपनी है और बहुत सारे डर्मा प्रोडक्ट भी बनाती है। सिविल लोशन के अंदर इंग्रीडियंट्स या मॉलिक्यूल्स की कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर एक सिंगल मॉलिक्यूल डाला गया जिसका नाम है साइक्लोपिरॉक्स ओलामाइन्स 0.77% वेट बाय वेट, यानी कि इसके अंदर एक सिंगल मॉलिक्यूल डाला गया जिसका नाम है साइक्लोपिरॉक्स ओलामाइन्स लोशंस। सिविल लोशंस का यूज़ के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल तफसा में फंगल इन्फेक्शन के इलाज और नाखूनों में फंगल इन्फेक्शन के इलाज में किया जाता है, यानी कि सरल भाषा में बताएं तो अगर आपकी बॉडी के कोई भी पार्ट्स में आपको इचिंग्स या खुजली हो रही है या फिर आपके जांघों के नीचे कुछ पसीने की वजह से कुछ दाद या खुजली टाइप या फिर रिंग वर्म टाइप हो गया है या फिर आपके नाखूनों में कुछ फंगल इन्फेक्शन टाइप हो गया है तो इसको यूज़ करने से वो ठीक हो सकता है, यानी कि सिविल लोशंस को यूज़ करने से बेनिफिट मिलेगा कि अगर आपकी बॉडी के कोई भी पार्ट्स में आपको बहुत दिनों से इचिंग्स या खुजली हो रही है या फिर आपके जांघों के नीचे बारिश में आप भीग गए उसके वजह से आपको इचिंग्स या खुजली या रिंग वर्म टाइप हो गया है या फिर आपके नेल में कुछ फंगल इन्फेक्शन टाइप हो गया है तो इसको यूज़ करने से वो ठीक हो सकता है, यानी कि सिविल लोशंस को यूज़ करने का तरीका बताए तो सिविल लोशंस को आप अपने अफेक्टेड एरिया पे यानी कि आपके जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हुआ है उस एरिया पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको यूज करने से पहले आप अपने अफेक्टेड एरिया को धोए बाद में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको आप दिन में ट्वाइस ए डे यूज कर सकते हैं, यानी कि सुबह नहाने के बाद और रात को सोते वक्त इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और 7 days कंटिन्यू इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी अपने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर की देखरेख में। सिविल लोशंस किस प्रकार काम करता है, यानी कि सिविल लोशंस हाउ टू वर्क्स। सिविल लोशंस के अंदर जो दवाई रहती है, यानी कि साइक्लोपिरॉक्स ओलामाइन्स एक एंटी फंगल दवा है, यह फंगस की कोशिकाओं में प्रोटीन का उत्पादन रोकता है, इस प्रकार उनकी कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में बाधा डालता है, इस प्रकार से ये फंगस की आगे की वृद्धि को रोकता है, यह आपकी तवसा और नाखूनों के इन्फेक्शन के इलाज में मदद करता है। सिविल लोशंस आपको कोई भी मेडिकल या फार्मेसी या केमिस्ट में मिल जाएगा, अगर आपको ये न मिले तो इसका मॉलिक्यूल जाता है साइक्लोपिरॉक्स ओलामाइन टॉपिकल सस्पेंशन USP, तो वो ले सकते हैं जो कि आपको कोई भी मेडिकल या फार्मेसी या केमिस्ट में मिल जाएगा और इजीली कहीं पर भी अवेलेबल रहता है। तो सिविल लोशंस को यूज़ करने के पहले अपने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर या कॉस्मेटिस्ट डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें, बाद में इस लोशंस का इस्तेमाल करें, अपने मन से सिविल लोशंस का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें। तो सिविल लोशंस के बारे में कुछ भी डाउट तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिया है वहाँ पर बताएं। सिविल लोशंस का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियोस। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए था, कोई भी लोशंस का इस्तेमाल करने के पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें।